ओके, तो हिंदी ट्रांसलेशन ठीक है। अब इसमें आराम आराम से करना। देखो, सारी हिंदी ट्रांसलेशन आज लगभग करके ही निकल लोगे मेरी तरफ से मोटे मोटे। जैसे हमने दो प्लान किए थे, दो को मैंने 3 4 5 में मैं लेके गया हूँ। आराम आराम से करो, मतलब जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है जितना, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देंगे, पेजेस चेंज होते रहेंगे, आप अपना लिखो। यहाँ पे पर्पज क्या है, इंग्लिश का पेपर हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, नंबर वन जो बताया था ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका। नंबर टू, जिन वर्ड्स की वोकैबुलरी नहीं आती है वो आपको समझ में आ जाएंगे, उनकी अपनी सेपरेट लिस्ट बना लेना। यही प्रैक्टिस आपको सेम बाकी पेपर्स के साथ करनी है। अब आज से अपने एंड पे डेली एक दो पैसेज यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर या कहीं से भी अपना उठा के कर लेना, ठीक है। मैंने यूपीएससी 2023 सीसैट पेपर से ही उठाए हैं, वहीं से हम ट्रांसलेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। नंबर थ्री, जैसे मान लो कोई मात्रा की गलती होती है, कोई कुछ होता है, तो वो आपकी पता चलेगी। क्योंकि आज सुबह जैसे बात कर रहे थे, तो ट्रांसलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। रीजन, क्योंकि ग्रामर तो आपकी जो आएगी वो थोड़ी मोड़ी ही है, आपको मुहावरे में भी वोकैबुलरी लिखनी है ट्रांसलेशन से, इससे आपकी वोकैबुलरी भी बनेगी। आपको लेटर लिखना है वहां पे भी वोकैबुलरी, ऐसे लिखना है वहां पे भी वोकैबुलरी, शुद्ध अशुद्धि वो भी इसी से ही बनेगा। यानी आपका 80% ऑफ द पेपर वो इस सिर्फ एक ही प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। बाकी तो जो आप जीएस की तैयारी कर रहे हो उसी से ही पॉइंट तो ले ही आओगे, सही गलत का मोटा मोटा पता ही चल जाता है, जा रहा था जा रही थी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, इतना कुछ ज्यादा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हैं, मुझे भी नहीं पता कि कितने हैं, बट वन बाय वन आपके सामने आते रहेंगे। आप आराम से बैठें, ट्रांसलेट करें, मैं भी यही हूं, ठीक है। और बाकी भारती जो भी पूछ रही हैं, वो अपन पेपर डिस्कशन के टाइम पे आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 टॉपिक अपने आईआर के भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, मैं अपने हिसाब से ही पेज पलट दूंगा जब मुझे लगेगा। मैं देखते देखते कि इसकी ट्रांसलेशन अब तक हो चुकी होगी, मोटा मोटा आप लोगों को देख के कि हाँ अब बैठ चुके हैं, लगभग 40-50% लोगों ने कर लिया है, तो वी विल मूव, ठीक है। दिख रहा है ना, अब इसी ऐसे ही जो जितना स्क्रीन पे अपना चल रहा है ना, उसी को ही आपको ट्रांसलेट करना है। आराम से करते रहो, मैं स्क्रीन को मूव करता रहूंगा। यहां तक का करना है आपको अभी। पैरावाइज ठीक है, स्ट्रेस तक।
जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना, पेज भी मूव होगा, ऐसा नहीं है कि टाइम ही, मुझे जो हिसाब से लग रहा है उतना ही। जिसका छूट जाएगा उसका छूट जाएगा। ऑनलाइन जो करता जाए अपना, डन करते जाना, ऑनलाइन भी दो तीन डन आ गए तो वी विल मूव। एक एक लाइन ही ट्रांसलेट करनी है आराम से। अकॉर्डिंग स्टेट्स, क्या बात कर रहे हो यार, वो तो पूरी ही एक लाइन थी, ये तो लाइन ही एक है। यहाँ तो लोगों ने ट्रांसलेट भी कर दिया है। मैं भी साथ साथ कर लेता हूँ ताकि मुझे कंप्लीट रियल पिक्चर रहेगी दिमाग में कि सही में इतना टाइम लग रहा है कि। एक लाइन एक टाइम पे पकड़ो और बदलते चलो, चलते चलो, ठीक है? नाउ आई एम मूविंग। ओके, नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर। यही लाइन करनी है सिर्फ यहां तक, क्योंकि एक एक लाइन ही लेके चलेंगे आप। कोई बात नहीं रितु, थोड़ा सा आराम आराम से कर लो, बाकी मैं पर उसको प्रोवाइड नहीं करा सकता। साथ थोड़ी बैठने का मौका मिलेगा मुझे, खुद के लिए कर लो, ठीक है ना? तो मैं चेक करने वाला हूँ, आराम से कर। नहीं नो, फिर भी बाकी अगला स्टार्ट कर सकते हैं।
Key to ensuring balance between competing demand of various stakeholder is basin-based approach to allocate water amongst constituent region and states. देखो 12 बजे हैं, 12:30 तक तुम्हारे स्क्रीन पे हिंदी ही रहेगी, आधा घंटा। सॉरी इंग्लिश, हिंदी तो तुम्हारी हो रही है। ज्यादा आगे नहीं जा रहा, एक ही ऊपर वाली लाइन जो हो चुकी होगी वो कर रहा। देख सकते हैं पैराग्राफ खत्म हो गया, अब पूरा ही करना है ट्रांसलेट। हाँ जी, हुआ किसी का? ऐसे क्या हाथ? चलो कोई नहीं, लगाओ, वहां तो टाइम तो मिलेगा थोड़ा सा, तो हम थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। ऑनलाइन जिसका हो जाए प्लीज लेट मी नो।
ट्रांसलेट कर रहे हो, मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है या रशियन चाइनीज में चल रहा है? चलो आई थिंक अभी यहाँ भी काफी लोगों ने कर लिया सिविल मूव, अभी नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है अगले पे आ जाओ। क्या ये दिख रहा है अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे तो? लास्ट तक दिख रहा है? ठीक, तो सारा ही पैराग्राफ एक ही साथ देख लो, ठीक है? अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 मिनट मिलेंगे, पता नहीं, मुझे भी देखना है अभी। ओके स्टार्ट, यू हैव 8 मिनट्स, आराम से करो, जल्दी जल्दी करो।
एक मिनट और,
लास्ट पैरा। कोई नहीं, फिर ज्यादा डिवास्टेटेड हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि इतने में मुझे रियलाइज हो गया, एक पैरा और दे देता हूँ, उसके बाद अपन चलते। छोटा देख लेते हैं, ये कर इसको, फिर अपन डिस्कस भी आराम से कर पाएंगे। लो, अभी हो गए 12:18, 12:25 तक का टाइम है आपके पास, 7 मिनट। मन मन में बोलो, मन मन
हो गया। ठीक ठीक है, हथियार डाल दो। ओके, कोई नहीं, जस्ट स्टॉप, विल स्टार्ट द डिस्कशन। पहले इसी को कर लेते हैं, हिंदी वाले को ना, खुला हुआ है अभी, नए नए। इसमें ना ये है कि ये जो सेशन है ना ये स्टैंडर्ड हिंदी में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो इसके लिए ना या तो कंपलसरी इंग्लिश के या हिंदी के जो पेपर है यूपीएससी की वाई के तो इंग्लिश भी उठाया जाए तो अच्छा क्योंकि इन वालों की दैनिक भाषा का तो हाँ, मुझे भी ये रियलाइज हो रहा था थोड़ा सा। बाकी एक बार देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे जो हिंदी में आए हैं ना क्वेश्चंस, मान लो एचसीएस में जो हिंदी में क्वेश्चन पेपर आया है, उससे हमें मतलब वहीं से उठा ले। हाँ, या तो वहीं से उठा लेते हैं या वो भी करा लेते हैं सीके पीवाई के सेम लिए कहानी है सर, वो वहां पे हमारे भी मतलब गांधी जी का था वो होते तो सीके लंबे का कुछ है हैं। लंबे होते सर लेकिन उसमें जो कनेक्टिंग वर्ड्स रहते हैं उसमें कितनी लंबी सेंटेंस है सर सतीश ने हथियार डाल दिए। बाकी तो फिर मैं समझ सकता हूं कि क्या सिचुएशन चल रही होगी। है हिंदी ऑप्शनल के ही। अब देखो, निम्नलिखित अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी, एक मिनट देखिए। अब जैसे इसमें जो है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अ फोक विजडम वुड हैव, नहीं, एक बार वैसे देखने के लिए, जो अभी लास्ट टाइम एचसीएस में आया था उसको देख रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम उसको इसी पे ही ले आते हैं। एक सेकेंड लगेगी। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, 1-2 मिनट लगेंगे। फिर तुम्हारा ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ये लास्ट टू लास्ट टाइम का पेपर है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमें। मतलब इस बार का नहीं है, उससे जस्ट पहले वाला है, ठीक है। देखिए, एज फोक विजडम वुड हैव इट, द ओनली सफरर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म आर द सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट कम्युनिटीज। कॉलोनियलिज्म अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज द नेम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विच एंश्योर्स अ वन वे फ्लो ऑफ बेनिफिट्स, द सब्जेक्ट्स बींग द परपेचुअल लूजर्स इन अ जीरो सम गेम एंड द रूलर्स द बेनिफिशरीज। दिस इज अ व्यू ऑफ ह्यूमन माइंड एंड हिस्ट्री प्रोमोटेड बाय कॉलोनियलिज्म इटसेल्फ। दिस व्यू हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन डिनाइंग दैट कॉलोनाइजर्स आर एट लीस्ट एज मच अफेक्टेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ कॉलोनलिज्म दैट देयर डिग्रेडेशन टू कैन समटाइम्स बी टेरिफाइंग।
बिहाइंड ऑल द रिटोरिक ऑफ द यूरोपियन इंटेलिजेंसिया ऑन द इविल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ले देयर अनस्टेटेड फेथ दैट द गेन फ्रॉम द कॉलोनियलिज्म टू यूरोप टू द एक्सटेंट दैट द प्राइमरली इन्वॉल्व मटीरियल प्रोडक्ट्स वर रियल एंड द लॉसेस टू द एक्सटेंट दे इन्वॉल्व सोशल रिलेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स फॉल्स टू वेंचर अ लेस पॉपुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म विच आई होप is relatively less contained by ideology of colonialism. I shall produce example from the experience of one of the world's most stable and most subtly managed colonial politics of all time, British India. The example will show that Amy Kesar calls the decivilization of colonizers is not an important fantasy after all. That is, that it is an empirical reality of the kind of which even Manoni and Fanon can agree. एक मिनट हैं उपनिवेशवाद देखो पॉइंट ये नहीं है मैं सुनो अब तो यही लग रहा है ठीक है पहले क्या लग रहा था सतीश हाँ रिलेटिव डेप्रिवेशन इसीलिए हाँ मैं यही दिखाना चाह रहा था कि वर्ड्स भी वैसे ही आएंगे सेंटेंसेस भी बड़े बड़े आएंगे एक चीज समझनी है यहाँ पे इतने उसमें मत जाना सेंटेंस फॉर्मुलेशन के बेसिक्स हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब पहले बाद में या क्या उस टाइप के क्योंकि इंग्लिश में अलग चलता है हिंदी में अलग चलता है सेकेंड चीज की जो जैसे मान लो एक ये है बेनिफिशरी है तो इनकी हिंदी अपने को पता होना चाहिए बस तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड क्योंकि यूपीएससी वाले जो है ना अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि वहां से हम एटलीस्ट वर्ड उनके मीनिंग वर्ड मीनिंग हिंदी में कि भाई उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अगर हमें वो भी पता चल गया और हमें बेसिक सेंटेंस फॉर्मुलेशन की अंडरस्टैंडिंग है तो आप बना पाएंगे कई बार हो सकता है कि एग्जैक्ट सेंटेंस ना बने बट उसके आसपास का तो बन ही जाएगा सबके अलग अलग ही होंगे सेंटेंसेस तो बट एटलीस्ट आपके जो वर्ड्स हैं वो तो कम से कम वही होंगे ना जो रिक्वायर्ड है ठीक है हाँ किसी वर्ड का अगर नहीं पता है तो और क्या ही करो हाँ अगर नहीं पता है तो लिख के आ सकते हैं देखो अब मतलब खाली कैसे छोड़ेंगे उस सेंटेंस को ये बताओ मुझे है ना कम से कम उसको इतना आइडिया तो देना पड़ेगा कि भाई ये पता है या नहीं पता है चल हाँ तो साम्राज्यवाद अब देखो साम्राज्य साम्राज्यवाद क्या होता है इंपीरियलिज्म हाँ हाँ मतलब इंपीरियलिज्म और वो उसके फॉर्म्स हैं हम उस कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं ओके तो अब सुनो 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 देखो ज्यादा दिल से लेने की आवश्यकता है नहीं जो करंट पोजीशन है उससे इंप्रूव्ड ही जाओगे पॉइंट क्या है अपने वोकैबुलरी बना लो बस वर्ड लिखो वो करो और सेंटेंस फॉर्मुलेशन का बेसिक वो तो दो तीन पैसेज करते ही समझ में आ जाएगा कि पहले क्या डालना है बाद में क्या डालना है और वर्ड्स आपके प्रिपेयर होते जाएंगे ठीक है और इससे अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे मोटा मोटा क्या है कि मुझे ये ठीक ही लग रहा है इसमें जो दे रखा है ना थोड़ा थोड़ा सा तो लगता है कि भाई एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बट जितना हो रहा है अब यूपीएससी ने करके दिया है तो उतना तो हम भी मान लेंगे कि भाई और यहां से कम आपके शब्द हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है ठीक है साम्राज्यवाद उपनिवेश कोई बात हाँ कोई नहीं अभी देख लेंगे देखो अब देखिए अब यहां पे है कि भाई वी ओफन ओफन क्या है अक्सर ठीक है वी प्राय भी बोल सकते हैं हम प्राय ये सुनते हैं हम अक्सर सिंपल भी सोच सकते हो ऐसी कोई बात नहीं देखो सिंपल अप्रोच रखो अप्रोच क्या है देखिए अब यहां पे ये कह रहा है वी ओफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक है अमंग डिफरेंट स्टेट्स स्टेट्स क्या हो गए राज्य कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो गए विवाद ओवर
रिवर्स वाटर्स, ये तो हो जाएगा राज्य की नदियों के और वो सब करके। ऑफन द 20, अभी आवाज मत करो, किसकी आवाज आ रही है? देखो ऑफ द 20 मेजर, मेजर क्या हो जाएगा? विशेष, मुख्य, ठीक है, मुख्य नदियां, ठीक है। हाँ, 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। वाटर स्ट्रेस क्या रहेंगे? स्ट्रेस मतलब की कमी। इन्होंने भी, मैंने तो सर जल सुवेद्य लिख दिया, मतलब जो वल्नरेबल होते हैं ना उनके सेंस में। ठीक है, अब इन्होंने तो नदी तंत्र तो वाटर रिवर सिस्टम हो गया। अब जल दबाव, एक मिनट, एक जल मिनट, दबाव, जल दबाव, अभाव, तंगी, जैसे पूरे सेंटेंस में कहां पे उसको फॉर्मुलेट करोगे वो जरूरी है कि भाई 14 में जल का अभाव है या जल की तंगी है। अब वो का यूज कर रहे हैं कि उस अभाव, जल दबाव कैसे होगा? स्ट्रेस नहीं, दबाव ऐसे, स्ट्रेस का मतलब दबाव, अभाव बोल सकते हैं। हाँ, बट स्ट्रेस के हिसाब से सुन लो अभी, तो जैसे स्ट्रेस्ड हो गया तो 75% तो पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे? जनसंख्या लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड अगेन, कि भाई हाँ जल अभाव क्षेत्रों में है, ठीक है, अभाव में आ जाएगा ये। अब आगे क्या है? वाटर स्ट्रेस, अ थर्ड ऑफ होम लिव इन वाटर स्केयर्स एरिया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। द डिमांड ऑफ राइजिंग डिमांड्स, मांग, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या की मांगे, राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर, क्या रह जाएगा? कृषि। टू कीप द पेस एंड इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या है? शहरीकरण। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? औद्योगिकरण। विल, ये क्या है? एग्जेजरबेट, हाँ मतलब इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है। वाटर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? ऑफ इंडिया वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? है? विषय, विषय ही आएगा ना, सूची में शामिल हाँ राज्य सूची में शामिल है, वैसे भी कर सकते हो। एंड नोट दैट ऑफ यूनियन एक्सेप्ट फोर, ठीक है, यूनियन का क्या रहेगा? केंद्र, संघ या केंद्र, केंद्र, दोनों ही चल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कोई वो लोड लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन का क्या रहेगा? एक मिनट, संतुलन, संचुत, हाँ वी नियमन, विनियमन, इसको देख लेना, ठीक है। एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड्स, कंपीटिंग का क्या रहेगा? किसको? की टू एंश्योरिंग, देखो इसमें जैसे जो हिंदी करी हुई है, एक तो पहले तो अभी तो अप्रोच देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे इसकी हिंदी क्या है, कि ऐसे ऐसे जो जो कीवर्ड्स मिलते जाएं आप उनको देखते जाओ, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी बता देता हूँ जो इन्होंने एग्जैक्टली आपकी करी हुई है। जैसे देखो ये कह रहा है कि हम अक्सर, इसको देखते रहना, मैं बोलता रहूंगा, सुनते रहना, ठीक है। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद के बारे में सुनते रहते हैं। पहली लाइन, 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से, तंत्र वाटर सिस्टम रिवर सिस्टम, ठीक है, तो सिस्टम का हो गया तंत्र, 14 में पहले से ही जल की तंगी है, 75%, 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, तो ये वाटर स्ट्रेस, वाटर उसी को ही ले रहा है। जिनमें से एक तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है, स्कैर्स अभाव, ठीक है, तो स्ट्रेस तंगी और इसका वो हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएंगे।
भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदी के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, फुल कोमा केंद्र का नहीं। ठीक है, राज्य का विषय है केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न, एक मिनट, इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि बेसिन पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। ठीक है, इसमें बेसिन को ये द्रोणी भी लिख रहा है कि द्रोणी पर आधारित रीति के संघटक। ठीक है, बैलेंस बिटवीन कंपिटिटिव डिमांड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, संतुलन। देखो, स्टेक होल्डर्स को ये कह रहा है हितधारियों, विभिन्न हितधारियों की आपस की होड़ डिमांड के बीच संतुलन संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों, अप्रोच टू लोकेट वाटर अमंग, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट का लिख रहा है संघटक क्षेत्र, एंड स्टेट इज राज्य। ठीक है, और राज्यों के बीच बंटवारा किया जाए, उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर अलोकेटर, अलोकेशन हो गया, असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इज वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सच एज स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिवर बेसिन, विशेषताएं, स्पेसिफिसिटी विशेषताएं, उस पर किसी बड़ी जल, उस पर कितनी, देखो यहां पे क्या कह रहा है, साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर करती है। ठीक है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकता है, एफिशिएंसी ऑफ यूज, ये ऊपर वाला रह गया, एग्जिस्टिंग वाटर यूज एंड डिमांड, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा नेक्स्ट, जैसे प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज, ये क्या है, कोमा भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी। ठीक है, या मांग भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, भविष्य की मांग। ठीक है, आदि और साथ साथ एंश्योरिंग द एनवायरमेंट नीड एंड द रिवर एंड एक्विफर, साथ साथ नदी और जल भर, जल भर इज एक्विफर, जल भर की पर्यावरण पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब समझ में आ रहा है हिंदी में क्यों फेल हो रहे थे। ठीक है, ओके, अगला देखें, अपने ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अपने एंड पे आप देख लेना एक बार इसको। ठीक है, बट पॉइंट यही है, यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड मिल गए हैं तो उनको अपना कर लेंगे। अब इतनी वोकैबुलरी मान लो दिन के भी अगर आप इस तरीके से 20 वर्ड भी निकाल पाते हो, 30 वर्ड भी निकाल पाते हो, 500-600 वर्ड का एक वो हो जाएगा आपके पास पूरा, 500-600 बहुत होते हैं, घूम फिर के आ ही जाएगा उसमें से। ठीक है, कुछ नहीं भी आएगा तो नहीं आएगा, तो ये तो हो गया। सो मोर देन हाफ ये वाला देख लेते हैं। देखो अब इसमें देखो, क्योंकि ये यहां पे क्या कह रहा है, वर्किंग, अब इसमें बताओ वर्किंग एज, देखो मोर देन हाफ हमें पता है, वुमेन पता है, क्वार्टर, क्वार्टर क्या होगा, एक चौथाई, वर्किंग एज के लिए क्या यूज करेंगे, कामगार तो नहीं है, हाँ कार्यशील कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है शर्म योग्य, कार्यशील भी कर सकते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये आ गया, देखो अकॉर्डिंग टू स्टडीज, स्टडीज क्या हो गया, अध्ययन, आंकड़े स्टैटिस्टिक्स होंगे। ठीक है, अध्ययन, दे आर एनीवेयर, कहीं कहीं 5 से 15 के बीच में, लेस प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव क्या होगा, उत्पादनशील। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्पादनशील, प्रोडक्टिव, देन दे कुड बी, ठीक है, एज ए रिजल्ट देयर ऑफ, देयर ऑफ मतलब इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिया ऑल्सो हैज लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस, अब ट्यूबरक्लोसिस की भी इसने दे रखी है, क्षय रोग नहीं, क्षय क्षय,
इसमें इसमें यक्षमा लिखा हुआ है, यक्षमा क्षयरोग, क्षयरोग विशेषज्ञ। ठीक है, से ग्रसित हैं, जिससे भारत में अब देखो 170 मिलियन वर्क डेज। अब ये मिलियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितने में आ रहा है, ठीक है, 10 मिलियन 17 करोड़, ठीक है। और नहीं नहीं मिलियन कैसे लिखोगे, हिंदी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वैसे बट बेटर तो यही है कि इसको आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वर्क डेज को क्या लिखेंगे, कार्य दिवस, श्रम दिवस, ठीक है, श्रम दिवसों की हानि। देखिए एनुअली, एनुअली मतलब हर साल या वार्षिक, बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, क्षमता की हानि, ठीक है। तो ये हो गया, एग्जैक्ट भी सारे बता देंगे, एक बार ये देख लेते हैं। देखो लॉस्ट पोटेंशियल, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली मतलब कोई नहीं, इसका क्यूमुलेटिव में आएगा। मैनी मेजर्स ऑफ, देखो अब ये देखो, मैनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, संज्ञानात्मक योग्यता, ठीक है। नहीं नहीं अब नहीं है तो लिख सकते हैं, बट अभी पढ़ने का फिर यही है कि भाई दिमागी नहीं लिखोगे। अब आपको पता चल गया है कि संज्ञानात्मक मतलब होता है तो संज्ञानात्मक ही लिखोगे, ठीक है। अब भी दिमाग लिखेंगे तो फिर ठीक नहीं है, हाँ बौद्धिक, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल हो जाता है, ठीक है। हाँ संज्ञानात्मक, ठीक है। माल नरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन, माल नरिश्ड क्या रहेगा, ठीक है। 2-3 टाइम्स देन एडुकेटली नरिश्ड पीयर फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, हाईली स्किल्ड अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, ठीक है। सिग्निफिकेंट चैलेंज, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण चुनौती, और ये क्या है, इट इज वन ऑफ द दैट रियली शुड बी एड्रेस गिवन इंडिया डेमोग्राफिक आउटलुक, क्या है, जनांग की किए दृष्टिकोण, जन आंग की किए, आंग की किए, जनांग की किए, की छोटी पहली और अगली की बड़ी, और जनांग की किए डेमोग्राफिक आउटलुक इज दृष्टिकोण, ठीक है। अब मैं इसकी एक बार बोल देता हूं मोटी मोटी, उसमें एक बार देख लेंगे। देखो सेंटेंस फॉर्मुलेशन की वो देखो, श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अनीमिया का अनीमिया ही रखा है इन्होंने, रक्त, ये हिंदी है प्रॉपर है, ठीक है, तो इसको लिख लो फिर। आयरन डेफिशिएंसी एक कारण है उसका, अनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से एक आयरन डेफिशिएंसी। देखो अगला, देखो अध्ययनों के अनुसार, अब यहां पे देखते रहना आगे करना हो तो मतलब बता देना मुझे। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते हैं उससे कहीं 5-15% तक कम है, कम उत्पादनशील है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक क्षय रोग या फिर क्षमा से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, कोमा जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है, ठीक है, क्योंकि ये आगे पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एनुअली बाद में लिखता है ना, तो ये हमारा पहले आएगा हिंदी में, वार्षिक रूप से इतनी हानि होती है, ये बाद में लिखेंगे इस चीज को इंग्लिश में। यह दिनों दिन इंक्रीजिंगली, जो इन्होंने लिखा है ना कि इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर, इंक्रीजिंगली क्लियर का इन्होंने लिखा है, यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित मालनरिष्ट भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अपने मापनों पर कोमा अपने साथ के भली भांति सुपोषित, ठीक है, कुपोषित सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना
कम निषादन करते हैं? परफॉर्म, परफॉर्म का लिखा है कम निष्पादन, सॉरी निष्पादन, मैंने क्या बोला, निषादन, निष्पादन, ठीक है, निष्पादन, या प्रदर्शन की कैटेगरी में भी भाई अब निष्पादन नहीं आ रहा है, ठीक है, कम प्रदर्शन कर पाते हैं, तो आपको वो सेंटेंस फिर उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। निष्पादन में करते हैं चलेगा, प्रदर्शन कर पाते हैं में चलेगा। ऊपर है क्या? यह दिनों दिन ऑन मेनी मेजर्स कहाँ है? इट इज बिकम इनकरेजिंगली एविडेंट। अच्छा, दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। हाँ, एक मिनट, अपने मापनों पर, ये अनेक, सॉरी, अनेक अनेक मापनों पर, ठीक है, अनेक इज मैनी, मापन इज मेजर्स, अनेक मापनों पर अपने साथ के अनेक आ जाएगा, मैन इज अनेक, मेजर्स इज मापन, मापनों पर, ठीक है। लास्ट में हम देखें फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, कोमा, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से यह एक ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए, ठीक है, रियली शुड बी एड्रेस, निपटना चाहिए। मोटा मोटा समझ में आ रहा है? इतनी हार्ड क्या ही कर सकते हैं? देखो, हमने कितने का आता है ट्रांसलेशन, पंद्रह नंबर का है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश कैलकुलेट होगा, जीएस में ज्यादा मैन्यूवरिंग की पॉसिबिलिटीज नहीं है, जीएस में सारे वही बकवास करके आए, मोर और लेस, किसी के दो एग्जाम्पल ज्यादा होंगे, किसी के दो एग्जाम्पल कम होंगे, लास्ट तक आते आते सब बराबर हो चुके होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें कंपटीशन है, सिंपल सी बात यह है, मान लो 1700 है, 500 से 600 लोग जो मतलब अच्छी तैयारी और कंपटीशन के हिसाब से रहेंगे, तो 600 में से जो 300 हैं, तो 600 लगभग सेम लेवल पे ही रहेंगे, तो उनमें कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो है, बाकी 600 को भूल जाओ, ठीक है, उस हिसाब से समझना आपको। ओके, लास्ट, हाँ, एमिशंस, हाँ, ये वाला था क्या? इससे भी आगे जो सबसे छोटा मिला था वो हमने, ठीक है, इसका मैं हिंदी बोलता हूं, आप साथ साथ देखते रहना, ठीक है, इसमें हम वर्ड बाय वर्ड नहीं करेंगे। जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, कोमा, वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। सिंपल पहली लाइन, उत्सर्जन वर्तमान जलवायु, इसी बीच, कोमा, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्रौद्योगिकीय, प्रो दो मात्रा, दो एक मात्रा, ग के छोटी, क के बड़ी, और यह परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म, ठीक है, फॉसिलिस, जीवाश्म से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, माइट बी, जिससे दुनिया के पास यही भयावह फियरफुल था ना, विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए, या जो के तू तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहे, ठीक है, या तो कम किया जाए, लिविंग द वर्ल्ड विद द टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशन एट हाई कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, ठीक है, तापन, जो के तू तापन, अनअबेटेड मतलब बिना डिक्रीज, जो के तू अप्रत्याशित, अनअबेटेड तो
मतलब जो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ बिना कम हुए है, अप्रत्याशित तो अलग है। देखो जो अनप्रेसिडेंटेड, जो व्यवसाय निश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते, तो यहां पे यही है, बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम फेल, वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता या सकती। विश्व क्या आएगा सतीश, यहाँ पे इन्होंने शक्ति लिखा हुआ है, बाकी मुझे भी सकता ही लग रहा है कि भाई विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, हो गया, तीन है। वहन नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, वहन अलग चीज होती है। ठीक है, वन अफोर्ड सच रेकलेसनेस, अफोर्ड बर्दाश्त में ही आता है अफोर्ड, वहन है, वहन दूसरे सेंस में होता है बस। हाँ वहन करना, वो खर्चे और उसके सेंस में होता है, अफोर्ड का मीनिंग बदल जाता है। अफोर्ड के मीनिंग के कंटेक्स्ट में, जैसे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं ना, आपको उसके कंटेक्स्ट में ही हिंदी का वर्ड यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब हम वो कर लेते हैं। तो अभी क्या लग रहा है हिंदी की? ओके फ्रैंकली विशाखा, सब लोग अपना अपना बताते जाएंगे। हिंदी जो अभी हमने किया है कि सिंगल डिजिट में कितने मार्क्स आ रहे हैं? हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं परसेंटेज वाइज सिंगल डिजिट की बात कर रहा था। हाँ मतलब परसेंटेज में से कितने परसेंटेज, जैसे हमने अभी देखा, तो अगर आप इस पेपर को जो आपने अटेम्प्ट किया उसको इवेलुएट करेंगे, तो आप मान लो 15 नंबर का एक पैराग्राफ है, तो 15 में से आप अभी कितने स्कोर करने की पोजीशन में हैं, या 100 का मान लेते हैं, ठीक है, या 15 में ही कर लो क्योंकि 15 का ही आएगा, ताकि आपको एक थोड़ा सा ये रहे, तीनों के हिसाब से 7 to 8। टेन प्लस, वेरी गुड, ठीक, टू, कितना? 16%। तो अब मुझे 15 का 16% और निकाल के बताओ कितना हो गया तुरंत, 15 का 16%, 15 और 15 का वर्ग कितना होता है? 15 15 225, उसमें बट अपने को एक और ऐड करना पड़ेगा। चलो मोस्टली भाई इतना ही है, 30-40-50% के बीच में है, जिनके ठीक है उनका ठीक है। अब यही है इंप्रूवमेंट का, यही आपका प्रोसेस रहेगा, आप अपना करते रहें। 60-70, 5-6, 5-6, 6-7 के आसपास ही है, मतलब 40-50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर चेकिंग पे डिपेंड करता है, देखो अगर चेकिंग पिछली बार जैसी होती है तो जो 50-60% वाले हैं दे विल बी फेलिंग, बट अगर चेकिंग पहले जैसी होती है तो आप 50-60 पे ही रहोगे। ठीक है, तो अभी जो 50-60 पे है और उससे कम है, दे हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। तो रेगुलर बेसिस पे अपने को वो देना है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मुहावरे वगैरह तो हम कर ही रहे हैं, लेटर राइटिंग, और ये मुझे ये लग रहा है कि लेटर राइटिंग ऐसे तो वो तो प्रैक्टिस ही करना है, उसमें तो थॉट्स ही डिस्कस करने हैं। इफ यू वॉन्ट कि जैसे जो ट्रांसलेशन और ये है, अपने एंड पे एक बार जो PDF में भेज रहा हूँ उसको अपना कर लेना, एक सेशन हम ट्रांसलेशन का और रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक दिन स्पेयर भी है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 5 क्वेश्चन थे, नहीं इस बार नहीं होगा, जा रहे हो
डिस्कशन नहीं करना बाद में, ठीक। अभी जब तक डिस्कशन चलेगा तब तक कोई नहीं बोलेगा, और जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल टेक सम क्वेश्चंस अगर होंगे तो।